हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगेन माय नए सेशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आई एम शंकर सिंह बागुनी, नाउ रिप्रेजेंट ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट टाइम वी डिस्कस लॉट अबाउट ऑन प्रोबेबिलिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियोरम्स इन अ प्रोबेबिलिटी, बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज टोटली डिफरेंट टर्म्स इन यूजिंग द टर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द प्रोबेबिलिटी, probabilities are a particular chance for a particular event when we hope that is a event is happen after a certain time. So different term is which we use in a probability distribution. So first term is random variable. Variable in the term which value is a change according to a time period, according to a certain certain situation या certain experiment. So जब हम random variable को define करते हैं तो variable is a point जो होता है वो certain changes को दिखाता है, जो value change हो रही है time के according या experiments के according या किसी भी events के according. So random variable is a variable whose possible values are the numerical outcomes of the random experiment. जो last time हमने बात की थी वो random experiment की थी, without the planning or without the hoping of the any results outcome. जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड बी रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जो भी हमारी रैंडम वेरिएबल, जो वेरिएबल्स की वैल्यूज आती हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के थ्रू आती हैं, तो दैट इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू विद एवरी आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और जो भी यूनिक वैल्यू आती है वो हमेशा एक्सपेरिमेंट वैल्यूज होती हैं। तो फर्दर इट्स वैल्यू वैल्यू वेरीज विद एवरी ट्रायल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और हमेशा क्या होता है कि जो भी वैल्यूज आती हैं वो हमेशा ट्रायल के अकॉर्डिंग डिफरेंट भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती है। अगर हम फिर से डिफाइन करें, वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय चांस आर कॉल्ड अ रैंडम वैल्यूज। ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यूज हम अकॉर्डिंग टू चांस पे डिपेंड करता है, तो दैट मीन चांस इज द टर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी, चांस पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड बी रैंडम वेरिएबल। जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म होता है आउटकम का वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के बिहा पे होता है, जिसको चांस वेरिएबल, सोफिस्टिकेटेड वेरिएबल भी बोलते हैं, और इसको हर दम कैपिटल लेटर एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी है कि जैसे टू कॉइन है जिसको हमने सेम टाइम में साइमल्टेनियसली या सेम टाइम पीरियड में हमने टॉस किया, तो जो सैम्पल स्पेस हमारा आएगा वो छह तरीके के, फोर तरीके के आएंगे। या तो दोनों सिक्कों में हेड आएगा, या तो वन में हेड या टेल आएगा, या वन में टेल या सेकंड में हेड आएगा, क्या हो सकता है दोनों में टेल आए। तो दैट इज अ आउटकम, वी नो दैट कि क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बी सैम्पल स्पेस। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, कॉरेस्पॉन्डिंग द ईच वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द प्रेजेंट बिलो। तो जो भी वैल्यूज होंगी वो डिपेंड करता है कि किस तरह से प्रेजेंट वैल्यूज रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे x का जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हो सकता है ये टेल आने की बात हो, तो टेल आने की बात हो सकता है टेल जीरो भी आए, हो सकता है एक टेल आए, हो सकता है दो टेल आए। तो जो भी वैल्यूज होंगी वो जीरो वन टू की होंगी, उसी के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटीज भी होंगी। अगर जीरो टेल आया तो वन बाई फोर आएगा। 1/4 का मतलब है कोई भी ऐसा एक एक ऐसा चांस होगा जहाँ पे टेल नहीं आएगा, तो वो हेड हेड है। अगर दोनों कॉइन्स में हेड हेड आ जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे टेल आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। हो सकता है कि एक टेल आए, तो दो कंडीशन ऐसी बन रही है जैसे HH और ST में, दो कंडीशन ऐसी बन रही है जहाँ पे टेल आ सकता है, तो 2/4। हो सकता है कि दो टेल एक साथ आ जाए, तो दो टेल आने का मतलब है कि एक ही कंडीशन ऐसी है जहाँ पे दो टेल आए, तो दैट इज अ डिफरेंट। तो रैंडम वेरिएबल के बिहाव पे हम सैम्पल स्पेस के बिहाव पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से रैंडम एक्सपेरिमेंट में किस तरह की वैल्यूज आएंगी और क्या प्रोबेबिलिटीज होंगी। तो सच आप टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड बी अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल की बात करें तो अकॉर्डिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो हम डिफाइन करते हैं टू टर्म में, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और सेकंड इज अ कंटीन्यूअस रैंडम वैल्यू। डिस्क्रीट रैंडम वैल्यू में क्या होता है, जब हम काउंटेबल नंबर में वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब दीज वैल्यूज आर काउंटेबल, तो हम जो फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड बी अ डिस्क्रीट। जैसे हम बात करें अगर कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स के बल्ब्स कितने हैं, बॉक्स ऑफ 10 बल्ब्स, तो दैट इज अ डिस्क्रीट, जहाँ पे हम नंबर ऑफ काउंट कर सकते हैं। व्हेन वी नॉट काउंट इन टर्म ऑफ द फाइनाइट, तो दैट इज कॉल्ड बी अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ पे लिखा भी है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल टेकन एज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज विच आर यूजली इन अ गिवन रेंज, जो हम कभी भी यूजली गिवन रेंज पे दिया जाता है। तो जैसे वेट है, हाइट है, टाइम है, दैट इज अ फिनिशर टास्क एक्सेट्रा, दैट इज अ कंटिन्यूअस इन द टर्म चलता है। तो इंडिविजुअल इन अ कम्युनिटी इन अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, लेट्स से द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द इंडिविजुअल इन अ कम्युनिटी 110 ईयर्स, तो जिसमें हम वैल्यूज डिफाइन नहीं कर सकते, एंड सिंस द नंबर ऑफ वैल्यूज इन फाइनाइट के टर्म में होता है, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट ए स्पेसिफिक वैल्यूज ऑलमोस्ट जीरो ही होती है, तो
एंड रिप्रेजेंट बाई एरिया अंडर अ कवर, इसको हम का जो भी रिप्रेजेंट करते हैं वो कर्व के अंडर रिप्रेजेंट करते हैं. तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज अ डिफरेंट एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज डिफरेंट. अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लिस्टिंग ऑफ ऑब्जर्व एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट जो हमें एक्चुअली अकर्ड होंगे इन अ टर्म ऑफ द एक्सपेरिमेंट करने पर. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट में भी हमने कहा था कि नंबर ऑफ द प्रोबेबिलिटी जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं होने किसी भी एक्सपेरिमेंट के होने के बाद, तो दैट इज़ कॉल्ड ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी होंगी. तो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं एक डायग्राम के टर्म में, टेबल के टर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म के टर्म में. जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दो तरह के होते हैं, डिस्क्रीट कॉन्टीन्यूअस. डिस्क्रीट में दो तरह की प्रोबेबिलिटीज आती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं बाइनोमियल और पॉइजन, और कॉन्टीन्यूअस में आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच रिप्रेजेंट बाय द कर्व. एंड जो डिस्क्रीट आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है दैट इज अ रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ द फाइनाइट नंबर, तो नंबर ऑफ वैल्यूज के टर्म में होते हैं. अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम लोगों ने डिस्क्रीट और रैंडम वेरिएबल्स पढ़ी भी हैं, जिसमें आपको फाइनाइट और लिमिटेड नंबर और इनफाइनाइट नंबर्स दोनों को डिफाइन कर दिया था. तो वही चीज़ यहाँ पे भी है रिप्रेजेंटेशन. अगर डायग्राम के टर्म में देखेंगे तो दो कॉज का जो हम बात कर रहे थे हेड एंड टेल, तो उसमें फोर वेराइटीज हो रही थी पॉसिबिलिटी ऑफ अदर आउटकम्स. इसको एक डायग्राम टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फर्स्ट है सेकेंड है टॉस करने पर, तो दैट इज़ अ रिप्रेजेंट ऑफ द आउटकम्स, जिसको हमने बात भी कही थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में. उसके साथ अटैच प्रोबेबिलिटी थी. अटैच प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आपने दो एक फर्स्ट कॉइन में हेड और टेल आया है, दूसरे कॉइन में हेड और टेल, और दो बार उसको उछाला गया है. मतलब फर्स्ट कॉइन आपका एक ही बार उछाला और दूसरा कॉइन आपका दो बार उछाला गया. फर्स्ट स्पिन हैज़ नो इफेक्ट एंड अ सेकेंड स्पिन एंड इफेक्ट ऑन द सेकेंड स्पिन. तो इफेक्ट जो आता है उसकी प्रोबेबिलिटी दैट इज़ अ डिफाइन थ्रू अ अटैच प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे रिप्रेजेंट होती हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स में. जो लास्ट वाला इवेंट था दैट इज़ अ रिप्रेजेंट इन अ फुल बोथ आर साइमल्टेनियसली इवेंट्स थे, ठीक है. एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज हियर, एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है हमने इस तरह से कैलकुलेट करी है. जब फर्स्ट में आपका हेड या टेल आएगा, मतलब या फर्स्ट कॉइन में जब हेड या टेल आ सकता है तब, और सेकेंड में हो सकता है पहले में हेड या टेल आए, या हो सकता है मतलब दूसरे पहली बार जब पहले कॉइन के साथ उछला पहले दूसरे कॉइन को उछला, तो रिप्रेजेंट चार जो आपके आउटकम्स आए उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है. एक हेड आने की मतलब दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और बिना हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4. तो तीन ही ऐसे हैं जो 1/4 हैं, तो एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4. तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें नंबर ऑफ टॉसिंग 3 times का रखा है, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का टर्म दिखा दिया जाता है. जैसे 3 coins हुआ है, उसमें 3 coins में क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, या 8 आउटकम आ सकते हैं. 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 ही आएगा, ठीक है. तो हो सकता है 0 आए, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए. तो 3 में क्या, तो 3 की वैल्यू है फ्रीक्वेंसी इन द टर्म दिखा दिया. 0 आने के चांस एक ही बार हो रहे हैं. अगर इसमें देखें कि नंबर ऑफ हेड की बात करें तो एक ही ऐसा चांस है जहाँ पे कोई भी हेड नहीं है, वो ट्रिपल टी है. मतलब 3 बार हो सकता है तीनों कॉइन में टेल टेल आ जाए, तो दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी 1. एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी मतलब एक यहाँ पे है, 2, 1, 3 ऐसे हैं जहाँ पे एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी है. फिर 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 3 बार है. 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, एक ही बार है. तो दैट इज़ अ डिफरेंट ऑफ द वन, जो भी नंबर ऑफ चांस होता है उसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी, तो 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, दैट इज़ अ रिप्रेजेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज हियर. सो मेन जो हमारा टारगेट है वो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करना है. सो जब भी हम बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो दैट इज़ अ डिफाइन इन द बर्नौली प्रोसेस से डिफाइन करते हैं, जिसमें फर्स्ट फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं और जो पॉसिबल आउटकम्स होता है वो 2 टर्म में डिफाइन होता है. फर्स्ट इज अ सक्सेस के टर्म में और दूसरा इज अ फेलियर के टर्म में, या ट्रू और फॉल्स के टर्म में. ओके, सो जो सक्सेसिव ट्रायल्स होते हैं वो चलते रहते हैं और ट्रायल्स आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट रहते हैं. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा 2 factor हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट सक्सेस और पर्टिकुलर इवेंट फेलोर. तो सक्सेस को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू को हम फेलोर से रिप्रेजेंट करते हैं. और बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं वो हम एक्स से रैंडम वेरिएबल इन द टर्म रहते हैं, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल रहता है तो हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन जो फॉर्मूला माता होता है वो एन कॉम्बिनेशन आर पी की पावर आर क्यू इज इक्वल टू क्यू की पावर एन माइनस आर. यहाँ पे एन जो होता है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, आर जो होता है सक्सेस रेट्स होते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस डिजायर्ड रेट्स होते हैं, पी जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड क्यू इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के टर्म में बात करते हैं. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, तो सर्टेन सिचुएशन में लगाया जाता है जहाँ पे म्यूचुअली 1 or 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स हो सकते हैं सक्सेस और फेलियर के. मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, दैट इज द टर्म ऑफ द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स.
तो यहाँ पे जो दो चीज़ें होती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एलओडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्योर है, उसके उसके यहाँ पे ही मैंने ये फॉर्मूला भी लिखा है, एन की एन कॉम्बिनेशन एक्स, पी की पावर कॉम्बिनेशन एक्स, क्यू इज टू एन माइनस एक्स। हम इसको आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर टेंडेंसी की बात करें तो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है यू इज टू एन पी होता है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका एन पी क्यू होता है। सो एप्लीकेशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स हमें ढूंढने हैं, या रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम के नंबर पता करने हैं, या राउंड फायर गन हिटिंग अ टारगेट, रेडार डिटेक्शन, और नंबर ऑफ वेयर इज एक्सेप्टेंस रिजेक्शन एंड सक्सेस ऑफ एलओस को जहाँ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस चीज़ पे। तो लाओ नेक्स्ट का मैं एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट इन अ फैमिली ऑफ अ फोर चिल्ड्रन देयर विल बी अ एटलीस्ट वन बॉय होने की प्रोबेबिलिटी, एंड सेकेंड क्वेश्चन है आपका एटलीस्ट वन बॉय एंड एटलीस्ट वन गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी। तो किसी फैमिली में अगर चार बच्चे हैं तो हमसे बोला गया है कि फाइंड द अज्यूम द प्रोबेबिलिटी की जो मेल बर्थ है वो जो मतलब एटलीस्ट वन बॉय होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, और एटलीस्ट वन बॉय और एटलीस्ट वन गर्ल की है, और एक प्रोबेबिलिटी हमें दे दी गई है कि मेल बर्थ की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है, 50% चांस है कि मेल बर्थ है। तो अगर हम बात करें कि एटलीस्ट वन बॉय होंगे, अगर फोर चिल्ड्रन में वाई वन बॉय होंगे, तो वन बॉय होने के अगर चांस देखे जाएं तो 1/2 है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रखी है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी, फेलोरिटी की प्रोबेबिलिटी हम जब निकालते हैं तो 1 माइनस कर लेते हैं सक्सेस के, तो 1 माइनस पी कर लिया तो 1 माइनस 1/2 किया तो 1/2 ही आएगा। तो एटलीस्ट वन बॉय ना फोर चिल्ड्रन की बात करें, अगर एक एक चार चिल्ड्रन में एक बच्चा होने की, एक लड़का होने की प्रोबेबिलिटी है जैसे अगर निकालें, तो एटलीस्ट बोला गया है, तो एटलीस्ट हो सकता है एक बच्चा हो सकता है दो मेल हो सकता है तीन मेल हो सकता है चारों मेल हो। तो हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो चारों की निकालते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बॉय, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू बॉय, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री बॉय, प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर बॉय, और जो एक्स की वैल्यू होती है यहाँ पे हम वो उसी के बिहाफ पे ले देते हैं, क्योंकि दैट इज अ रैंडम वेरिएबल। जो एक्स है वो रैंडम वेरिएबल होता है जिसको हम डिफाइन कर रहे होते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है, एक्स की वैल्यू यहाँ 2 है, एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 4 हो जाती है। तो फॉर्मूले को सीधे सीधे लगा देते हैं। आपका एन कॉम्बिनेशन आर था, एन कॉम्बिनेशन एक्स था, तो जो एन होगा वो फोर चिल्ड्रेन है, नंबर ऑफ जो भी ट्रायल्स होते हैं दैट इज अ फोर चिल्ड्रेन, तो कॉम्बिनेशन फोर कॉम्बिनेशन वन हो जाएगा। सक्सेस पी की पावर एन होती है, एन की एन कॉम्बिनेशन एक्स, पी की पावर एक्स, क्यू एन माइनस एक्स। तो एन आपके फोर चिल्ड्रेन है, एक्स अगर एक अगर लड़का मेल है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे बस चेंज होती जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 हो गई। पी की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2, तो एक्स की वैल्यू 1 ही रहेगी फॉर इन द सम, तो 1 रह गई। और क्यू इजकल टू एन माइनस टू है तो 4 माइनस 1, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 है और एन आपका 4 है, तो ये हो गया। इसी तरह 2 हो गया तो एक्स की वैल्यू को हम 2 लिखेंगे, बाकी चीज़ें सेम होती जाएंगी जो फॉर्मूले में है। इसी तरह 3, 4 कॉम्बिनेशन 3, 1/2 की पावर 3, 1/2 की 4 माइनस 3। इसी तरह अगर 4 बच्चे होंगे तो 4 कॉम्बिनेशन 4, 1/2 की कॉम्बिनेशन 4, 1/2 की कॉम्बिनेशन 4 माइनस 4। तो इसी को हमने सॉल्व करने के, इसी इक्वेशन को जो कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला होता है एन कॉम्बिनेशन आर का जो फॉर्मूला होता है वो सीधे सीधे क्या होता है, तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को सही से लिख दिया। यहाँ 4 4 है तो 1 हो गया यहाँ पे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 की 2 की पावर 1 होगा, 1/2 की पावर 3 होगा, यहाँ पे भी 2 2 हो रहे हैं, यहाँ पे 3 और 1 हो रहे हैं, यहाँ पे 4 हो रहा है और 1 हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि 1/2 की पावर 4 इज़ अ कॉमन थिंग है, तो 1/2 की पावर इज़ अ कॉमन आ रहा है हमारा, क्योंकि कॉम जो पावर होती है वो प्लस हो जाती है, तो 1/2 की पावर 4 इज़ अ कॉमन हो गया। 1/2 की पावर 4 को हमने कॉमन ले लिया, और 4 कॉम्बिनेशन प्लस जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले हैं उसको हमने ब्रैकेट में कर दिया। तो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है एन कॉम्बिनेशन आर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल इन द टर्म्स की यहाँ पे जो भी 4 कॉम्बिनेशन 1 है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसी टर्म में आपने फॉर्मूला खोला। फैक्टोरियल का यहाँ पे मतलब होता है कि आगे वैल्यूज डाउनग्रेड कितना होगा 1 तक, तो 4 × 3 × 2 × 1। तो यहाँ देख रहे हैं हम 4 × 3 कर दिया, इसको ओपन कर दिया 4 फैक्टोरियल को, 4 × 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 आपका 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल काट दिया, सॉल्यूशन इन द टर्म किया, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 किया तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कर गया, इसके हिसाब से आपका 4 फैक्टोरियल कट गया। तो जो वैल्यू आई है वो आपकी आ गई है 4 + 6 + 4 + 1 15/16 आ गई। 2 की पावर अगर देखें तो 2 की पावर आपका 16 होता है, 4 तो 16 आ गया। तो अगर एक चाइल्ड की एटलीस्ट वन चाइल्ड ऑफ द मेल की अगर देखेंगे, बॉय की देखेंगे, तो जो प्रोबेबिलिटी वो 15/16 है। अगर हम देखते हैं कि एटलीस्ट वन बॉय और एटलीस्ट वन गर्ल, तो एटलीस्ट वन बॉय और एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब है यहाँ पे कि कम से कम एक बॉय हो और एक गर्ल हो, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं तो ये हम एटलीस्ट वन बॉय एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब है कि एक बच्चा
मतलब अगर एक बॉय की बात होगी, एक बॉय की बात करेंगे, तो एक बॉय होने का मतलब है कि कम से कम एक बॉय तो मतलब जो हमने लास्ट टाइम में निकाला है वो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है, एटलीस्ट वन बॉय होने की प्रोबेबिलिटी हमने पीछे 15/16 निकाली है, जिसमें एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार बॉय भी हो सकते हैं, तो उसका हमने यहाँ पे एटलीस्ट वन बॉय का तो निकाल लिया। एटलीस्ट वन गर्ल का भी सेम ही होता है, वन गर्ल में भी आपका कंडीशन सेम ही होगा कि हो सकता है एक लड़की हो सकता है, दो लड़की हो सकता है, तीन लड़की हो सकता है, चार लड़की हो, तो बहुत ज़्यादा सेम होगा। बस यहाँ पे क्या होगा, जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे एटलीस्ट वन बॉय की, तो नो बॉय की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बॉय की निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बॉय की मतलब है चारों लड़कियाँ हों, चारों लड़कियाँ होने की प्रोबेबिलिटी होगी पी कॉम्बिनेशन फोर, तो फोर कॉम्बिनेशन फोर 1/16 होगा। और नो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, वही सेम चीज़ आएगा, एक ही बार एक ही कंडीशन हो सकती है जिसमें नो मतलब चारों लड़कियाँ हों, चारों लड़के हों, तो चारों लड़के होने की कंडीशन वही आपकी जब फोर बॉयज होंगे तो ये नो बॉय नो गर्ल की हो जाएगी। तो जब एटलीस्ट वन बॉय एटलीस्ट वन गर्ल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, नो बॉय और नो गर्ल का माइनस कर देंगे वन से, तो वन से माइनस किया तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो 14/16 आएगी, दैट इज अ 7/8, दैट इज अनदर लॉजिक। लॉजिक में क्या होता है, जब चार चीजें होती हैं, जैसे चार अगर बच्चे हैं आपके, चार बच्चे मतलब फोर चिल्ड्रन यहाँ पे हैं, तो फोर चिल्ड्रन में क्या है कि हम अगर फोर चिल्ड्रन में एक ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं तो वन माइनस करके निकालते हैं, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी तो वन ही होती है ना, जीरो से वन के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आपने सक्सेस आपको पता है तो उसके फेलोर होने के चांसेस आपको वन माइनस करके करेंगे तो निकल जाता है, तो उसी के बिहा पे हमने यहाँ निकाला, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि द प्रोबेबिलिटी डेट अ बल्ब प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर अ 150 डेज इज 0.5%, तो एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि 150 डेज में अगर हम जो बल्ब होने फ्यूज की प्रोबेबिलिटी वो 0.05 है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 बल्ब, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हो सकता है कि पाँच सच बल्ब्स में कोई भी बल्ब फ्यूज ना हो, नॉट मोर देन वन हो, नो मोर देन वन हो, एटलीस्ट वन विल बी फ्यूज आफ्टर 150 डेज टू यूज़, ये चीज़ें हैं, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज हैं, तो उसके भी आप निकालने, जैसे प्रोबेबिलिटी बल्ब विल बी फ्यूज है ना 150 डेज की, जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो 0.05 दे रखी है, 0.05 है, तो 5/100 हो गया, 1/2 आ गया, तो सक्सेस की फेलोरिटी आपकी हो गई, और फेलोर की प्रोबेबिलिटी आपकी 1-P है, तो 1-P मतलब 1/-1/20 किया तो 90, तो आप ये आपको क्यू की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से आपकी नन वाली कंडीशन आ रही, नन का मतलब होता है जीरो, कोई भी बल्ब फ्यूज ना हो, तो एस की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई, तो एन कॉम्बिनेशन एस की वैल्यू चेंज कर लेंगे, 5 बल्ब दिए रखे हैं तो 5 कॉम्बिनेशन 0, 1/2 जीरो, सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू जो आ गई है वो 90/20^5 आ गया है। इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इतने भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है नॉट मोर देन वन, नॉट मोर देन वन का मतलब हो गया है कि एक ही बल्ब फ्यूज हो, एक ही बल्ब फ्यूज हो, तो एक्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पे रैंडम वैल्यू विल एक्स की जो वैल्यू होगी 1 होगी, बाकी फॉर्मूले में हमने रख लिया एन 5 कॉम्बिनेशन 1 1/10, वो उसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई हमारी, दैट इज अ वैल्यू। अगर मोर देन वन कह रहा है तो मोर देन वन की कंडीशन क्या होगी, एक बल्ब, एक मोर देन वन का मतलब है 2 बल्ब हो सकते हैं, 3 बल्ब हो सकते हैं, 4 बल्ब हो सकते हैं, 5 बल्ब हो सकते हैं, तो 2, 3, 4, 5 बल्ब हो सकते हैं, या तो हम इन सब की अलग से निकालें, या एक काम कर सकते हैं कि हम 2 को माइनस कर दें। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वैसे आपका मोर देन वन है तो बल्ब फ्यूज होने की प्रॉबिलिटी क्या हो, कोई भी नहीं हो सकता, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, तो जब हम चार का निकालना है तो हम वन से माइनस कर दें इन दोनों की प्रॉबिलिटी निकाल के, तो जीरो और पी वन की हमने प्रॉबिलिटी ऊपर निकाली ही है, तो जब ऊपर निकाल रखी है हमने, पीछे सॉल्व कर रखा है, तो उसी को हमने सॉल्व किया तो हमारी वैल्यूज ये आ गई। तो वन में क्या है कि अगर आपको चार चीज़ों की निकालनी है तो आप उसमें से वन से माइनस कर दीजिए, इसी चार की प्रॉबिलिटी आपको आएगी, यहाँ इसीलिए और रिप्रेजेंट किया। एटलीस्ट वन बॉल की कंडीशन आपकी आएगी, तो एटलीस्ट वन बॉल की मतलब है कि एक बल्ब भी, दो बल्ब, तीन बल्ब, चार बल्ब, पांच बल्ब आपके फ्यूज हो सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1-P, हम निकालने की कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं हुआ तो उसको वन से माइनस कर देंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, हमारे एटलीस्ट वन बल्ब फ्यूज होने की प्रॉबिलिटी निकल जाएगी, तो ये 1-19/1 किया तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम डायरेक्टली जो डिस्क्रीट में होता है डायरेक्टली वैल्यूज निकलती है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दैट इज अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल सक्सेस बाइनोमियल कैलकुलेशन बिकम इम्प्रैक्टिकल, वहाँ पे इम्प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, इतने नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें सक्सेस और फेल्योर की प्रोबेबिलिटी निकालना इट इज़ नॉट बी ईजी वे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक मीन नंबर निकालते हैं अक्रेंस ऑफ इवेंट पर्टिकुलर इवेंट के बिहा पे, और देखते हैं कि क्या टाइम पीरियड पे किस तरह की इवेंट्स हो रहे हैं, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसे डेल्टा एक्स ई की पावर माइनस डेल्टा अपॉन एक्स बार होता है, तो यहाँ पे एक ई जो होता है एक्सपोनेंशियल इज एन एपियर कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हम 2.7182 लेते हैं, जो हमको या तो क्वेश्चन में दी रहती है या तो हम अपने से मान लेते हैं।
तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो मोनली यूज होता है ऐसे ट्रायल्स के लिए होता है जिसमें हम एज्यूम नहीं कर सकते कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हो सकते हैं। तो ट्रायल तो होते हैं बट हम नहीं एज्यूम कर सकते हैं, हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ ट्रायल बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक क्वेश्चन दिया हुआ है बिटवीन द सॉरी इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि बिटवीन द आवर्स टू पी एम टू फोर पी एम बिटवीन द आवर्स ऑफ टू पी एम टू फोर टू पी एम नंबर ऑफ फोन कॉल्स आर कमिंग इन द टेबल बोर्ड इन अ कंपनी इज 2.35। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट देयर विल बी एट मोस्ट टू फोन कॉल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो इसे बोल रहा है कि 2 से 4 के बीच में जो नंबर ऑफ फोन कॉल्स आते हैं वो एवरेज जो फोन कॉल जो स्विच बोर्ड पे आते हैं वो 2.35 है, और वन पर्टिकुलर मिनट पे हमें 2 फोन कॉल आए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे जो एक्स है उसे नंबर ऑफ फोन कॉल्स मान लेंगे, तो एक्स इक्वल टू जो भी होगा वो पी लैम्डा के टर्म में है, और लैम्डा आपको एज्यूम मीन दे रखा है, तो जो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी वो 2.35 है, एवरेज दे रखा है 2.35 है। तो दो देन प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो अगर सीधे सीधे पॉइंट आप की वैल्यू निकालेंगे तो ई माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर एक्स अपॉन एक्स बार हो जाएगा। तो ये हमसे बोल रहा है कि एटमोस्ट 2 कॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, एटमोस्ट 2 कॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्योंकि एवरेज तो आपका 2.35 है, तो 2 कॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। तो 2 कॉल आने या तो 2 से कम आ सकते हैं, 2 से एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 ही आए, तो ज्यादा से ज्यादा 2 या तो कोई नहीं आएगी या तो 1 आएगी या तो 2 आएगी। तो हमने क्या किया एक्स की वैल्यू को 3 टर्म में डिवाइड कर दिया, 0, 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लिखेंगे, अगर सीधे सीधे फॉर्मूला इन द टर्म लिखेंगे कि ई की पावर माइनस 2.35 है, तो एक्स की वैल्यू को 0 लेते हैं तो ई की पावर माइनस 2.35 है, तो 2.35 की पावर हो गई 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 1 आ गया, तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसी में लिखते जाते हैं 2.35 का स्क्वायर, और यहाँ एक एक्सपोनेंशियल 2.35 इज अ कॉमन है, तो एक्सपोनेंशियल 2.35 को कॉमन ले लिया, बाकी आपकी वैल्यूज जो है उनको सॉल्व कर लिया। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो एक्सपोनेंशियल 2.35 की वैल्यू इन्होंने दे रखी थी तो 6.11 आया है, सॉरी एक्सपोनेंशियल की वैल्यू नहीं दे रखी तो एक्सपोनेंशियल को हमने सेम लिखा, बाकी वैल्यू को हमने प्लस करके सॉल्व करके लिखा तो 6.11 आ गया, तो एक्सपोनेंशियल 2.35 दैट इज द आंसर। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कराना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि मैन्युफैक्चर नो द रेजर इज द एवरेज ऑफ 0.5 इज अ डिफेक्टिव, ही पैक्स देम इन अ पैकेट ऑफ 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पैकेट एट द रैंडम विल कंटेन 3 or more डिफेक्टिव ब्लेड्स। 3 या 3 से ज़्यादा ब्लेड्स हो सकते हैं जो डिफेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, रेजर ब्लेड्स बना रहा है कंटेन कर रहा है एवरेज 0.5 डिफेक्टिव है, मतलब जितने ही ब्लेड बना रहा है उसमें 0.5% इज अ डिफेक्टिव बोल रहा है। तो अगर वो 5 पैकेट का एक ब्लेड पैक कर रहा है तो 3 ब्लेड्स आर डिफेक्टिव, 3 or more डिफेक्टिव ब्लेड्स होने की प्रॉबर्टी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी 0.5, तो 0.5 का मतलब हुआ कि 0.005 दे रखा है। तो नंबर ऑफ ब्लेड कितने पैक कर रहा है, 5 प्लेट कर रहा है, तो एनपी जो आपका एमपी आएगा जो एवरेज आता है वो आपका होता है एनपी, तो 5 × 0.05 हो गया आपका 0.025 आ गया। ठीक है, तो एवरेज आपको मिल गया, तो एवरेज को यहाँ पे एम से रिप्रेजेंट किया है बट ये लैम्डा होता है तो फॉर्मूले के डिपेंड अलग है, तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल गई -0.25 × 0.5 है। अब यहाँ बोल रहा है कि 3 और 3 से ज़्यादा हो सकता है, तो 3 तो है ही है, 3 से ज़्यादा मतलब या तो 4 होंगे या तो 5 होंगे, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी को हमने यहाँ पे लिख लिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्योंकि फॉर्मूला हमारा यही है। तो आर की वैल्यू पहले बार में 3 लिखी है तो 3 आ गया, दूसरे बार में 4 लिखी तो 4 आ गया, यहाँ की पावर 4 होगी, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ 5 होना चाहिए था, यहाँ 5 है। ठीक है, तो सबका कॉमन निकाल लिया, सॉल्यूशन कर दिया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3 or more की। ओके, तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू अ सॉल्विंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होता है, कई बार जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं प्रोपोर्शनल इन द साइज ऑफ यूनिट्स होता है, तो मीन जो निकलता है लैम्डा की हमेशा जो मीन होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वल टू एनपी होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो रूट लैम्डा होता है, मतलब रूट एनपी होता है, स्क्यूड होता है, और पीडी इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होते हैं 20 से या 20 से ज़्यादा होते हैं या प्रोबेबिलिटी 0.05 के अकॉर्डिंग होती है तब हम यूज़ करते हैं। मतलब नंबर ऑफ ट्रायल जिसमें हम जैसे डेथ के काउंट कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉल्स काउंट कर रहे हैं, जो जिसमें ट्रायल्स बहुत ज़्यादा ज़्यादा हों।
लार्ज जो आपका होता है दैट इज अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल वेरिएबल दिए जाते हैं दैट इज अ रिप्रेजेंट इज अ टर्म ऑफ द हाइट वेट मार्क्स और इन सब टर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो बेसिकली ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, सिमेट्रिकल यूनि मॉडल होते हैं, पीक पॉइंट इन अ टर्म ऑफ द कर्व दिखाते हैं। सिमेट्रिकल इन द टर्म इसको मीडियन मोड जो होते हैं वो कंसाइड करते हैं एक ही जगह पे, ये हम मान के चलते हैं। और इसमें नंबर ऑफ द ट्रायल्स होते हैं इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बिहा पे हम ये मान के चलते हैं, दैट इज इन टर्म ऑफ द इन्फिनेटिव टर्म में होते हैं। तो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट रैंडम वेरिएबल लाइक हाइट और वेट होता है, वाई एक्सिस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करा जाता है। जो एरिया अंदर कर्व होता है दैट इज अ डिफाइन द टर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो ये हम मान के चलते हैं टोटल कितनी है, वन है। तो जो म्यू होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो होता है वो म्यू होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका रो होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोगों ने मीन मीडियम मोड में पढ़ा है दैट इज द सेम। तो दो पैरामीटर होते हैं, टू पैरामीटर आर कंसीडर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सेम मीन और डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशंस हो गए, सेम स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट मीन्स हो गया, या इन द टर्म ऑफ डिफरेंट मीन एंड डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व की बात करें तो एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व आपका तीन तरह के होते हैं, मतलब जैसे यहाँ फिगर में दिख रहा है। तो एक जो एरिया होता है वो 0.50, क्योंकि एक माना जाता है तो 0.50 इधर 0.50, मतलब राइट हैंड साइड 0.50 और लेफ्ट हैंड साइड 0.50। तो जो वैल्यूज दे रखे हैं, जो एक एरिया का वैल्यू दे रखे हैं 0 to 1 वो 0.34 होता है, 0 to 1 2 आपका 0.135 होता है, दैट इज़ अ बेसिकली डिफाइन बाई द ग्राफ चार्ट के भी आप पे होता है। तो जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अगर 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो हमारा एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो x माइनस म्यू अपॉन रो होता है। तो ये हमारा वैल्यूज ये रिप्रेजेंट करती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन के, इसमें सैम्पलिंग दे रखी है। इन अ सैम्पल ऑफ 1000 केसेस द मीन ऑफ सर्टेन टेस्ट इज अ 14 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ 2.5, तो अज्यूमिंग दैट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो। तो इसमें डिफाइन किया कि हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन 12 टू 15 है, कितने स्टूडेंट अबव 18 है और कितने स्टूडेंट बिलो 8 है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के स्कोर 16 आया, तो ये डिफाइन करना है हमें। तो हमारे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, पहले 1000 स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे बात कर रखी है 1000 स्टूडेंट्स है। तो 1000 स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं, क्योंकि 1000 स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो 1000 स्टूडेंट्स में ही हम काउंट करते हैं। तो एन की वैल्यू 1000 है, मीन आपका दे रखा 14, क्योंकि सर्टेन टेस्ट में मीन जो आ रखा है 14 है, क्वेश्चन में डिफाइन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी दे रखा है 2.5। तो स्कोर हमें पहला जो हमारा निकालना है कि स्कोर कितना होगा। तो फर्स्ट का जो स्कोर अगर हम देखें तो फर्स्ट का जो स्कोर है वो हमारा कितना है, 12 टू 15 है स्टूडेंट्स है, 12 टू 15 वाला है। तो 12 टू 15 में कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, डिनोट करते हैं नंबर ऑफ, तो 12 टू 14 15 है। तो स्कोर बिटवीन 12 टू 15 में कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो मीन है वो 14 दे रखा है हमें पहले से ही, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 दे रखा है। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जेड का जो फॉर्मूला होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन रो होता है। तो म्यू की वैल्यू 14 है और रो की वैल्यू 2.5 है, तो उसी के भी आप पे कर लेंगे। 12 से 15 के बीच में दिखाया है, तो 12 से 15 की रैंडम वेरिएबल हम दिखाते हैं 12 टू 15। तो ये आपका जो वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी वो 12 टू 15 के बीच में, मतलब जो एक्स की वैल्यू होगी वो 12 से ज़्यादा होगी और 15 से कम होगी। तो जब 12 होगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 12 होगी तो 12 माइनस 14 अपॉन 2.5, एक्स तो है तो एक्स पे यही, 15 है तो 15 माइनस 14 अपॉन 2.5। तो सॉल्व किया तो माइनस 0.58 आ गया और 0.4 आ गया। अब इसको अगर कर्व के टर्म में देखा जाए, तो कर्व में अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो 0 होगा, मतलब एक स्पेस पे। तो पॉजिटिव का पॉइंट है तो ये इधर आएगा, नेगेटिव का पॉइंट है तो इधर आएगा पॉइंट। अब हमें जो एरिया निकालना है, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो पूरे हिस्से का निकालना, मतलब बिटवीन का बोला गया ना, तो बिटवीन का पूरा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 0 से 0.8 की वैल्यू निकाल लेते हैं और 0 से 0.4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, और दोनों को प्लस कर लेंगे। तो जब हम ये करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस 0.8 को जेड 0 दिखाते हैं और ये 0.4, तो इसको चेंज कर लेते हैं, 0 से जेड 0 0.8 दिखाते हैं, इसको 0.24 दिखाते हैं, लिखने का तरीका है। तो जब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू हमारी चार्ट से निकलती है, तो चार्ट से हमारी जो जेड चार्ट होगी उसके बिहाफ पे हम ये वैल्यू निकालेंगे। तो ये वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं, जस्ट अ मिनट। सो हमारा जो जेड टेस्ट की वैल्यूज थी जिसमें हम ये दिखा रहे थे आपको कि 0 to 0.8, तो जस्ट अ मिनट आई स्टॉप द शेयरिंग देन आई शो यू, जस्ट अ मिनट, शेयर माय स्क्रीन। सो दिस इज द जेड टेबल, स्टैंड नॉर्मल टेबल है। स्टैंड नॉर्मल टेबल की बात करें
जीरो से 0.8 की वैल्यू देखेंगे तो जीरो, ये आपकी जीरो की वैल्यू है तो 0.8 की वैल्यू देखेंगे तो 0.2281 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.8 पे 0.2881, तो वही मैंने यहाँ पे भी आपको शो करी थी, दैट इज जीरो से अगर 0.8 में देखेंगे तो ये जो वैल्यू है दैट इज अ रिप्रेजेंट 0.2281, ठीक है 0.2281 ओके। और 0 से 0.4 देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 0 से 0.4, तो 0.4 पे कितनी वैल्यू है 0.1154, 0.1154 आप ये देखेंगे 0.1554 दिए गए हैं, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो स्टैंड नॉर्मल कर्व होता है उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं, तो 0 से 0.44 है तो 1.1, तो टोटल मिला के 0.4435 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करेंगे तो 1000 × 4.4435 है तो 444 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम लेस देन, दूसरा हमारी कंडीशन थी स्कोर अबव 18, तो स्कोर अबव 18 का मतलब है जो भी वैल्यूज होगी वो 18 से ज्यादा हो, तो 18 इसलिए एक्स ग्रेटर देन 18 लिखा है, तो फॉर्मूला इज द सेम होता है, एक्स माइनस 14.25 है, क्योंकि स्टैंड एविएशन का फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व का फॉर्मूला होता है उसी के भी यहाँ पे करते हैं, तो जो वैल्यू आ रही है जेड ग्रेटर देन 1.6 है, तो जेड ग्रेटर 1.6 का मतलब है जो वैल्यू होगी वो 1.6 से ज्यादा होगी, तो ये जो वैल्यूज है ये कर्व इधर का निकालना है, तो एक जो पूरा साइड होता है वो 0.5 है, तो हम अगर यहाँ से 0 से 1.6 की वैल्यू निकाल लें तो ये हमारे वैल्यूज, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म है तो हम इसकी वैल्यूज ऐसे नहीं निकाल सकते, तो इसको 0.5 से हम माइनस करें, तो हमारा यही हुआ कि 0.5 से हमने माइनस किया 0 से 0.16, क्योंकि 1.6 से ज्यादा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 0 से 0.16 की आप वैल्यू देखेंगे तो 1.6 पे वैल्यू कितनी है जीरो, ये देखिए आप 0.00452 है, तो यही हमने वैल्यू यहाँ पे लिखी है और ये वैल्यू निक के हमने माइनस कर दिया, तो आपकी जो वैल्यू आई वो 0.548 आई है, जिसको 1000 के तो 548 है, तो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके नंबर्स जो है वो अबव देन 18 है। इसी तरह लेस देन वाला कॉन्सेप्ट है, लेस देन वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि एक्स लेस देन 8 है, 8 से कितने लोग कम है, तो फोन वैल्यू वही रखी है, एक्स इज लेस देन एक्स को वैल्यू सेम रखी है, 8 − 14 किया तो 8 − 14 किया तो ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ -6 होना चाहिए था, तो -2.4 आ रहा है, तो -2.4 का मतलब है कि लेस देन, लेस देन का मतलब होता है कि लेस देन, क्योंकि माइनस में लेस देन इस साइड में जाता है, तो ये जो वैल्यूज है वो आपको निकालनी, तो सेम कंडीशन इसमें करते हैं, 0.5 से हम 0 से 0.25 माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर दिया हमने, तो वैल्यू हमारी जो आई वो 0.0082 आई, 0.0082 आपका कितना किया 1000, तो 8 आ गई आपकी, ठीक है 8 स्टूडेंट, और कितने ऐसे स्टूडेंट जिनकी वैल्यू 16 हो, मतलब 16 के इक्वलेंट है, तो हमने जी एस फाइंड किया, तो 16 जो हमारा आया तो 0 से 0.81 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 0.2881 आया, 288 स्टूडेंट ऐसे हैं, तो ये एक तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें ये भी क्वेश्चन वैसे ही सेम है, इसमें नॉर्मल मीन और स्टैंड डेविएशन दे रखा है, तो स्टैंड नॉर्मल डेविएशन निकाल लिया, अब ऐसे कितने यहाँ पे डायरेक्ट मार्क करके दिया कि 26 और 40 के बीच में निकाली, 26 और 40 के बीच में जो वैल्यू निकाली वो इस तरह से आ जाएंगी। इसी तरह लेस देन वाला 45 किया, तो हमने जब आपको वैल्यू देखेंगे तो आप करेंगे तो इसी तरह से वैल्यूज आएंगी जो हमको करना है, ठीक है, तो ये दीज आर द नंबर ऑफ चीजें जो होनी चाहिए। अगर रोल ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग में कहें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी मार्क जो डिटरमाइन करता है कि व्हाट इज द वेरिएबल्स को हम कौन सा बेस्ट पोटेंशियल हमें मिल सकता है, तो कई सारे फॉर्मूले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं जिसको हमें यूज करना चाहिए, फॉर अ सेल्स प्रेडिक्शन के लिए भी हम प्रोबेबिलिटीज का यूज करते हैं कि फ्यूचर में किस तरह की हमारी सेल्स हो सकती है, रेवेन्यू क्या हो सकता है, कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है। रिस्क असेसमेंट के लिए भी हम प्रोबेबिलिटीज का यूज़ करते हैं, आउटकम्स और वेंचर जहाँ पे हमें हैवी इन्वेस्टमेंट करना होता है तो इन फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं, तो रिस्क असेसमेंट के लिए भी हमें प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। सिनेरियो एनालिसिस अनदर टूल होता है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं कि नंबर ऑफ चीज़ें कि कितने नंबर ऑफ ऐसे सिक्वेंसेज हो सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूज के, तो दीज आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके इसके नेक्स्ट सेशन में हम और थोड़ा सा क्लियर करेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ओके थैंक यू गाइस, कोई भी अगर क्वेश्चन हो रिगार्डिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, थैंक यू सो मच।